फ्रेंड्स, द टेस्ट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैंने अपने किचन में ऑल टाइम बच्चों की फेवरेट बनाई है नूडल्स, जिसको हम चाउमीन भी कहते हैं। स्ट्रीट फूड है इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा अगर बाहर की चीज़ें खाएंगे, स्पेशली नूडल्स, क्योंकि ये मैदे का बना होता है, तो बच्चों के पेट खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आज हम बनाएंगे घर पे, क्योंकि जब घर पे हम बनाते हैं तो इसमें होता है ढेर सारा प्यार और हम बहुत ही साफ सफाई से बनाते हैं। टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है, वैसा ही बना हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। पतीला चढ़ाया है और पतीले में हमने पानी लिया हुआ है, नूडल्स इसमें डालेंगे, लेकिन नूडल्स आपको ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम नमक, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, और इसी के साथ थोड़ा सा डालेंगे हम तेल। तेल डालने से ये होगा कि जो आपके नूडल्स है वो चिपकेंगे नहीं। बस टीस्पून के करीब में देखेंगे तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल डाला है। मैंने 350 ग्राम के करीब में नूडल्स लिया है, इसको तोड़ना नहीं है आपको, जैसा है ये वैसे ही आपको इसमें डाल देना है, क्योंकि जब ये पानी में जाते हैं तो ये अपने आप खुल जाते हैं। बॉइलिंग वाटर में ही इसको डालना है आपको, ठंडे पानी में मत डालिएगा इसको। और इसको ऐसे हल्के चम्मच से आपको डुबा देना है। देखिए जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा ये अपने आप खुल जाएंगे। ये देखिए पानी में डालते साथ ये पूरे के पूरे खुल गए हैं। हमको इनको ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट से 7 मिनट तक के अंदर में आपको इसको बंद कर देना है, क्योंकि इसमें ये हो जाते हैं कम्प्लीटली। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको, बस इसी तरीके से हमको इतना ही बॉईल करना है चेक करने के लिए। गैस मैंने ऑफ कर दी है, ये देखिए आसानी से टूट जा रहा है। बस अब एक ऐसी हम छलनी लेंगे स्टेनर, और उसमें जितने भी हमारे नूडल्स है इसको निकाल देंगे। ये देखिए सारे नूडल्स हमने निकाल दिए हैं। अब नूडल्स को निकालने के बाद आपको इसमें भर के ठंडा पानी डालना है, क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस हमको बंद करना है। तो इसको हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। ये देखिए हमने पूरा पानी निकाल दिया इसका अच्छे से, लेकिन स्टेनर में है तो थोड़ा सा और पानी इसमें बचा है। तो हम क्या करेंगे, या तो पंखे के नीचे कोई एक बड़ी सी ट्रे ले लेंगे या प्लेट ले लेंगे काफ़ी बड़ी सी, जिसमें हम ऐसी वाली या कोई भी आपके पास जो ट्रे होगी उसमें इसको फैला देंगे पंखे के नीचे, या 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए तो ये अपने आप ठंडे हो जाएंगे। ये देखिए नूडल्स हमारे बहुत अच्छे से सूख गए हैं, ये देखिए, और बहुत खिले खिले बने हैं। अब इसको पकने के बाद भी ये ऐसे ही खिले खिले रहें, इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा 1 या 2 टीस्पून के करीब में इसमें हम ऑयल लगा देंगे, और ऑयल लगाने के बाद फिर से एक बार इसको ऊपर नीचे करके कवर कर लेंगे ऑयल से। अब ये पकने के बाद भी ना ऐसे ही खिले खिले बनेंगे। चलिए तो आप करते हैं आगे का प्रोसेस शुरू। लिए है कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल डाला है, लेकिन तेल जब मैंने डाला है तो चारों बाजू आपको तेल को डालना है। मैंने अभी कम तेल डाला है, एक बार आपको फिर से बताने के लिए बता रही हूँ। ये देखिए बस ऐसे स्प्रेड करके आपको डालना है ताकि जो आपकी कढ़ाई है उसमें नूडल्स जो हैं हमारे वो चिपके नहीं। अब जब हमारा जो तेल है वो अच्छे से जब गर्म हो जाए तो उसमें हम चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक 1 टीस्पून के करीब में मैंने दोनों चीज़ें ली हुई है इसको डालना है। फ्लेम जो है वो आपका हाई ही होना चाहिए।
इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसी के साथ प्याज लिया हुआ है मैंने, दो प्याज लिया है मैंने, इसको भी फ्राई करेंगे अच्छे से। ये सब चीज़ें जो है वो हाई फ्लेम पे होनी चाहिए। देखिए तेल जब हमने कढ़ाई के किनारों पे भी लगाया है तो इससे कोई भी जो हमारा सब्जी है वो भी नहीं चिपकेगी और नूडल्स भी हमारा चिपकेगा नहीं। इसको हल्का सा होने देते हैं और फिर हम अपनी सब्जी डालेंगे। जो हमारे प्याज है उसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब इसी के साथ हम सारी सब्जियां जो हैं अपनी वो डाल देंगे। बस जो स्प्रिंग अनियन है उसको थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के टाइम पे। पहले डाला है मैंने गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, एक गाजर ली है, एक शिमला मिर्ची ली है, एक बाउल मैंने कैबेज ली हुई है और थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ले लिया है, वन बाउल के करीब में, छोटा सा बाउल है, ये क्वांटिटी मैंने ली हुई है। वैसे वेजीज आपके ऊपर है, अगर आप नूडल्स में ज़्यादा वेजीज पसंद करते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी भी ले सकते हैं। नमक अभी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने नमक डाल दिया तो ये होगा कि जो हमारी सब्ज़ी है वो पानी छोड़ देगी। इसको पूरी तरीके से हमको पकाना नहीं है, इसका जो क्रंचीनेस है वो ऐसा ही होना चाहिए। बस हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए हमारी सब्जी। ये देखिए सब्जी पकी हुई नहीं है। अब इसी के ऊपर हम डालेंगे अपने नूडल्स। नीचे से सब्जी जो है वो पकती भी रहेगी इसलिए टेंशन की बात नहीं है, जलेगी नहीं। सॉसेस डाल देते हैं हम इसमें। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिल्ली सॉस डाला है ये भी 1 टेबल स्पून के करीब में है, ग्रीन चिल्ली सॉस डालेंगे ये भी 1 टीस्पून के करीब में मैंने डाला है, और इसी के साथ वाइट विनेगर है ये भी मैंने 1 टेबल स्पून के करीब में डाला है, 1/4 के करीब में ब्लैक पेपर और टोमेटो केचप डाला है, ऑप्शनल है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा टोमेटो सॉस ज़रूर डालिएगा। और लास्ट में हम डालेंगे नमक, हमने नूडल्स में भी नमक डाला है इसलिए थोड़ा ध्यान से डालिएगा। मैं अपने स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ, आप भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिएगा। बस अब इन सबको हम अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए ऊपर नीचे करके इसको बहुत अच्छे से हमको चलाना है ना। सिंपल रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपका ये जो नूडल्स है ये कैसा बना है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए इसी तरीके से आपको ऊपर नीचे करके पूरा का पूरा जो हमारा नूडल्स है उसको अच्छे से वेजीज के साथ मिला देना है। अगर आपके पास स्पून काम नहीं कर रहा है तो ऐसा जो चिमटा आता है उससे भी आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये हो जाता है। ये देखिए पूरा मिक्सअप होके हमारा जो चाउमिंग है वो बनके तैयार हो गया है। एट लास्ट हम इसमें जो स्प्रिंग हमारे अनियन बच गए थे उसको ऊपर से डालेंगे ताकि जो क्रंचीनेस है हमारा इसके अंदर रह जाए। बस बनके हमारी चाउमिंग तैयार हो गई है।